शांति। आज 22 नवंबर 2023 है आज बाबा हमें अव्यक्त इशारों में भी और मुरली में भी बाबा ने हमें एक स्वमान दिया मैं हिम्मतवान आत्मा हूँ मुरली में बाबा ने कहा कि इस समय पर अत्याचार बढ़ेंगे अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं रक्त की नदियां बहती हैं अंत में यह सब और बढ़ेगा लेकिन हमें अपना अटल अखंड राज्य योग बल से स्थापित करना है इसके लिए हिम्मत चाहिए और हिम्मत क्यों चाहिए क्योंकि इस समय पर बहुत सहन करना पड़ता है सामना करने की हिम्मत से ज्यादा हमें इस समय सहन करने की हिम्मत चाहिए और यही सहन शक्ति के बारे में आज फिर से बाबा हमें अव्यक्त इशारों में बता रहे हैं तो सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे अमृत वेले से लेकर रात तक यही लक्ष्य रखो कि दुआएं देनी है दुआएं लेनी है और कुछ भी नहीं करो लेकिन दुआएं दो और दुआएं लो कोई आपको दुख भी दे तो भी आपको दुआएं देनी है इससे सहनशीलता का गुण स्वतः आ जाएगा जब हम सामने से सामना करते हैं तो सामने वाले भी सामना करने की शक्ति अपनी यूज़ करता है लेकिन अगर बाई चांस कोई सामने से प्रहार कर भी रहा है हम अपनी सहनशीलता की ढाल से भी तो उसका जवाब दे सकते हैं हमेशा तलवार से तलवार टकराएगी तो आवाज़ तो आएगी और युद्ध छिड़ जाएगा लेकिन अगर वहाँ से तलवार है तो मुझे परमात्मा ने शिव बाबा ने सहनशीलता की ढाल भी दी है जो न केवल हमारी रक्षा करेगी लेकिन हमारी तरफ से प्रहार नहीं होने देगी तो वहाँ से भी प्रहार एक ना एक दिन रुक जाएगा इसके लिए बाबा ने हमें मैं आत्मा हूँ ये ज्ञान भी दिया और योग बल से आत्मा के अंदर की शक्तियों को भी जागृत किया है इस समय अगर इन परिस्थितियों में ही हम सहन नहीं कर पा रहे किसी का कुछ बोला हुआ ही अगर हमारी नींद फिटा दे हमें भूख प्यास मिटा दे हमें कुछ अच्छा ना लगे बार बार वही याद आता रहे तो फाइनल पेपर में हम कैसे पास होंगे इसलिए बाबा ने कहा है इस समय जो बातें आती हैं ये तो कुछ भी नहीं है अंत समय का जो सीन होगा उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए तो जो हिम्मत रखता है उसी का फिर गायन और पूजन होता है उसी के पास सब आते हैं तो अगर हमें हिम्मत रख कर के सहन करना सीख लिया तो सबको हम दुआएं दे सकते हैं और हमारी दुआओं से ही उन आत्माओं में भी सहन करने की हिम्मत आएगी जो लास्ट के उस दृश्य को वो भी सहन कर सके ओम शांति